ये सफ़र हमारा शुरू हो चुका है भंवरसाल मेट्रो स्टेशन से, जिसको आप थोड़ी देर पहले से ही निहार रहे थे मेरे स्टेशन पर सिग्नल पर खड़े खड़े। तो अगेन आपको और क्लियर कर दूँ कि ये जो है ये स्टेशन का पार्ट नहीं है, ये फ्लाई ओवर का पार्ट है, और ये जो है ये स्टेशन है। टू डिफरेंट एक्टिविटीज, और ये बनाई जा रही है आइडिया के द्वारा, और ये बनाया जा रहा है बिल्ड वन के द्वारा। तो इसी के साथ स्वागत है आपका मेट्रो कंस्ट्रक्शन पार्ट टू में। इसमें अभी हम देख चुके हैं कि भंवरसाल मेट्रो स्टेशन जो है वो तो चंद ही महीनों में जो है आपको पूरा कंप्लीट देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ से अभी हम मेट्रो स्टेशन जो है नंबरिंग के हिसाब से जो जाने जाते हैं, जो हम बिल्कुल भी फॉलो अप नहीं करते हैं जिन पर, तो हमारे लिए डिफरेंट डिफरेंट मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो रहा है जो जो है देखने के लिए अच्छा है, पर अपडेट के लिए आप अगर देखेंगे तो अंदर बहुत सारा अटाला ही अटाला है। गाड़ी ले भी जाएंगे तो भी आपको कुछ दिख नहीं पाता। बाकी ब्रिज का तो काम आप देखो तो एकदम स्टेशन के अंदर जा चुका है वो। और मेट्रो स्टेशन जो है यहाँ से शुरुआत होती है हमारे मेट्रो स्टेशन की, जो कि अब धनाधन तेजी के साथ बनकर बाहर निकलने वाले हैं ऑपरेट होने के लिए। इसमें भी आप देख सकते हो कि अभी तो एक्सटीरियर भी खैर बचा है, इसका इंटीरियर तो खैर इंटीरियर भी काफ़ी बचा है, बट अगेन सिटी से अगर आप कंस्ट्रक्शन देखें और मेट्रो का यहाँ पर देखें तो बहुत डिफरेंस है। यहाँ के मेट्रो स्टेशन और सिटी के मेट्रो स्टेशन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कमाई लगता है। और कुछ ही लम्हों की कुछ ही महीनों की बात थी दोस्तों कि यह हमारा एक सेक्टर बनते हुए पता है सिर्फ ब्रिज ही ब्रिज बचा हुआ है। अच्छी बात है। और कुछ ही महीनों में भी आपको मेट्रो चलती हुई दिखने भी जाएगी, तो हो सकता है कि वहाँ पर हम इसकी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। हालांकि कंस्ट्रक्शन का काम अभी नहीं होना क्योंकि अभी ये तो सिर्फ एक फेज है, येलो लाइन ही है। इसके बाद तो काफ़ी वास्ट जो है लेन हमारे यहाँ की प्लांट होने वाली है इंदौर में, तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू शो टू ट्रैवल। और हेलमेट ना रखा हूँ तो उड़ जाऊँ शायद। तो चलिए अब यहाँ से आपको अब बताते हैं कि क्या स्टेटस है अब हमारे इस मेट्रो स्टेशन का। इसका एक्सटीरियर तो दोस्तों मुझे देखने के लिए लग रहा है कि काफ़ी हद तक जो है ब्रिक वॉल जो है उसकी हो गई है, पेडिस्टेरियन भी हो चुका है, एस्केलेटर नहीं लगा हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पर अभी, अभी सिर्फ सीढ़ियाँ दिख रही है। बाकी जो ब्रिज का जो काम है वो तो आप देख ही सकते हो कि पूरा एकदम अंदर तक नाप दिया गया है ब्रिज को,
और ये सामने से एकदम बॉलीवुड मूवी की तरह एंट्री होती और एग्जिट भी होगा हमारा, तो खैर पूरे खेत का भी जो है। अरे भाई साहब, थोड़ा सा पलट के भी तो देखा जाए दोस्तों कि जो आ रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं। रुको रुको रुको, एक तो बनता है बॉस, थोड़ा बहुत ऐसा वो खेल लग जाता है। अब जब आपने लाइव देख ही लिया तो लाइव में थोड़ा सा ऐसे ही काम होता है, अब रुक जाते हैं थोड़ा थोड़ा सा, आपको भी एक्सपीरियंस कराने की कोशिश करता है कि हाउ आई ऑपरेट। और इसी के साथ जहाँ तक हमारा ट्रायल रन हुआ था उस मेट्रो स्टेशन में, जिसको हम TCS के नाम से भली भांति जानते हैं, आपको TCS मेट्रो स्टेशन को अगर आप देखें तो काम चालू कर देना चाहिए लोगों को घुमाने फिराने का। बेहतरीन जो हमारा स्टेशन है, तो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको मेट्रो तो मेट्रो, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, ऐसे लगता है मेट्रो के ही कर्मचारियों को इनमें काम पे भी रख लिया है और ये काम भी दिला दिया है। तो मेट्रो देखना है, बोलो भाई साहब ये बोल तो एडवर्टाइजमेंट रेडी है। तो ये आप देखो, अभी आप कार्यक्रम सबसे ज़्यादा हैवीली डेंसली कंप्लीटेड मेट्रो स्टेशन, यस, इसकी रूटिंग भी जो है आपको देखने के लिए मिलेगी कंप्लीट। और अभी कहीं मैंने एक वीडियो भी देखा था जिसमें एस्केलेटर्स को चलते हुए एक शॉट भी बनाया था किसी भाई ने, तो हाँ ये भी अच्छा काम हो गया है। बीच में दोस्तों क्या है, थोड़ा बहुत चेकअप करते रहना पड़ता है कि